हाय गाइस, दिस इज़ यूमे सिन्हा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट प्राइमेट लैंग्वेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में। एज यू नो, हमारा ये वीडियो बायलिंगुअल होने वाला है। जो स्क्रीन पर है, जो रिटर्न है, वो तो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेज इम्प्लीमेंट, जो प्राइमरी ट्रेज इम्प्लीमेंट होते हैं और जो सेकेंडरी ट्रेज इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लाउ। प्लाउ क्या होता है? द मेन इम्प्लीमेंट फॉर प्राइमरी टिलेज इज प्लाउ, यूज फॉर प्लाउइंग ऑपरेशन। जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो मेन इम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है आपका? प्लाउ। प्लाउइंग इज प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन विच इज परफॉर्म टू कट, ब्रेक एंड इनवर्ट द सॉइल पार्शली और कंप्लीटली। जो प्लाउइंग होता है, जो प्राइमरी टिलेज में क्या किया जाता है, जो हार्ड सॉइल होता है या फिर जो सरफेस जो टफ होता है उसको अपन क्या करते हैं? लूज करते हैं, है ना। तो जो विद द हेल्प ऑफ प्लाउ अपन क्या करते हैं? सॉइल को कट करते हैं, ब्रेक करते हैं, इन्वर्ट करते हैं और पल्वराइज करते हैं। या तो पार्शली होता है या वो कंप्लीटली होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाउज आर यूज एट डिफरेंट प्लेसेज। दे मे बी क्लासीफाइड एज इंडिजीनियस प्लाउ, एमबी प्लाउ, डिक्स प्लाउ, चीजल प्लाउ, सब सॉइलर, रोटरी प्लाउ। इसको वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे कि इंडिजीनियस प्लाउ क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लाउस हैं, इसका जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पे, अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट, अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो यूज होते हैं एज अ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं हम इंडिजीनियस प्लाउ के बारे में कि इंडिजीनियस प्लाउ क्या होता है, कब। इंडिजीनियस प्लाउ इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दिस कंट्री। द शेप एंड साइज ऑफ द प्लाउ वेरीज विद प्लेस एंड रीजन ड्यू टू वेरिएशन इन सॉइल टाइप एंड टिलेज रिक्वायरमेंट। तो जो इंडिजीनियस प्लाउ होता है, जनरली जब स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था तो जो ये इंडिजीनियस प्लाउ है इसको एनिमल या फिर स्टार्टिंग में तो ह्यूमन के द्वारा हीच किया जाता था, फिर ऐसे एनिमल के द्वारा इसको हीच करते थे। तो जो इंडिजीनियस प्लाउ होता है ये कॉमनली हमारे कंट्री में, हमारे भारत देश में बहुत कॉमनली यूज होता है। और इसका जो साइज और शेप होता है वो अकॉर्डिंग टू प्लेसेस वेरी करता है। जैसे कि आप अगर नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में जो इंडिजीनियस प्लाउ का साइज और शेप हो गया, जो उसका कटिंग यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। जो भी अपना इम्प्लीमेंट है उसके कटिंग यूनिट, जो कटिंग टूल होता है उसको शेयर कहा जाता है। जो शेयर की साइज होती है, जो शेयर जो साइज जो शेप जो होता है वो अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू एरिया, रीजन वाइज क्या होते जाता है, वो चेंजेस होते जाते हैं। क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं, उनका कंपोजिशन अलग होता है। कहीं का सॉइल जो स्ट्रक्चर होता है, सॉइल स्ट्रक्चर, जो सॉइल टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है। कहीं पर रेड सॉइल मिलता है, कहीं पर ब्लैक सॉइल, तो कहीं पर अलग सॉइल। तो जिसमें सैंड फिल्ड क्ले का जो सॉइल टेक्सचर स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो सब क्या डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अलग अलग जगह पे जो फोर्स रिक्वायरमेंट होती है प्लाउ को हीच करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन। तो वो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए जो शेयर का जो साइज शेप होता है उसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर सॉइल कंडीशन को सुटेबल हो। तो जो इंडिजीनियस प्लाउ होता है, इसके मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका बॉडी, शेयर, शू, बीम और हैंडल। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये शेयर हो गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये शू कहलाता है, ये वाला बॉडी और ये हैंडल और ये आपका बीम। जो बीम होता है वो अपने गांव साइड या फिर आजकल तो जनरली ट्रैक्टर ही यूज होता है। आज से कुछ साल पहले जैसे कि आप गांव साइड ऐसे देखोगे जो, या फिर खेतों में देखोगे रोड में चलते हुए, कि विद द हेल्प ऑफ एनिमल जो सामने जो बीम होता है, यहाँ पर एक लकड़ी का हैंडल लगा के वहां पर क्या करते हैं, ऐसे दो बैलों को, या फिर जनरली बैल या फिर भैंस यूज होता है हमारे यहाँ, तो उसके हेल्प से अपन इसको क्या करते हैं, हीच करते हैं। जो ये हैंडल होता है, हैंडल से क्या करते हैं, जो एक मैन जो उसको ऑपरेट करते रहता है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये तो आपका बॉडी हो गया, बॉडी इट मीन जो सारे चीज हैं वो कहाँ पर माउंट होते हैं आपके बॉडी में। और ये आपका हो गया सू और ये हो गया शेयर। जो शेयर होता है वो मेन पार्ट होता है किसी भी टिलेज इम्प्लीमेंट का, क्योंकि जो कटिंग का साइज है,
जो डेप्थ वगैरह है सारा चीज कहाँ से मेंटेन होता है, इसके शेयर से, ठीक है। इंडिजीनियस प्लाव के बाद नेक्स्ट हमारा होता है एमबी प्लाव। एमबी प्लाव जो कि मोल्ड बोल्ड प्लाव, इसको एमबी प्लाव भी कहते हैं। अ मोल्ड बोल्ड प्लाव इज अ वेरी कॉमन इंप्लीमेंट यूज फॉर प्लांटेज ऑपरेशन। दिस प्लाव परफॉर्म सेवरल फंक्शन एट अ टाइम। जो एमबी प्लाव होता है ये एनिमल ड्रॉन भी अवेलेबल होता है और ट्रैक्टर ड्रॉन भी अवेलेबल होता है, बट जनरली जो एमबी प्लाव होता है उसमें हैवी ड्राफ्ट रिक्वायर होता है, इसलिए आजकल जनरली ट्रैक्टर ड्रॉन एमबी प्लाव भी यूज किया जाता है। तो जो एमबी प्लाव होता है वो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट का बहुत ही एक कॉमन इंप्लीमेंट है प्राइमरी टिलेज के लिए, जो कि सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि जो सॉइल होता है उसको कट करता है फरो स्लाइस को, फिर उसको देन उसको लिफ्ट करेगा, फिर टर्न करता है, देन पल्वराइज करता है। फरो स्लाइस का मतलब होता है जो सॉइल जिस शेप में से कट होता है, ठीक है, जब टिलेज टिलेज एक्शन परफॉर्म करते हैं फील्ड में, तो जिससे जो सॉइल कट होता है, तो जो सॉइल कट होकर टर्न होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फरो स्लाइस, ठीक है ना। तो जो एमबी प्लो का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो सॉइल को क्या करेगा, कट करेगा। तो जो फरो स्लाइस कट हो रहा है उसको क्या करता है, फिर वो लिफ्ट करता है, देन उसको टर्न करेगा, देन उसको पल्वराइज करेगा। पल्वराइज का मतलब होता है उसको मिक्स कर देगा, उसको मिक्स कर देगा अच्छे से, ठीक है, या फिर उसको ब्रेक डाउन कर देगा, भुरभुरा बना देता है उसको। सॉइल को क्या होगा, जो हार्ड सॉइल है वो आपका क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, है ना। तो ये आपको हो गया मोल्ड बोल्ड। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लाव, तो अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ ये 4 पॉइंट लिख सकते हो, कटिंग द फरो स्लाइस, लिफ्टिंग द फरो स्लाइस, टर्निंग द फरो स्लाइस एंड पल्वराइजिंग द फरो स्लाइस। और ज्यादा से ज्यादा आप मोल्ड बोल्ड का डेफिनेशन लिख दो। अ मोल्ड बोल्ड प्लाव इज अ वेरी कॉमन इंप्लीमेंट यूज फॉर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। देन दिस प्लाव परफॉर्म सेवरल फंक्शन एट अ टाइम। दिस आर द फंक्शंस विच परफॉर्म बाई द मोल्ड बोल्ड प्लाव। देन व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लाउ। द मेन कंपोनेंट ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लाउ आर सेयर, मोल्ड बोल्ड, लैंडस्लाइड, फ्रॉग एंड टेल पीस, ठीक है। दिस आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लाउ। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इंडिजीनियस प्लाउ का टाइम बताया था कि जो सेयर होता है, वो मेन क्या होता है, वो कटिंग टूल है वो, ठीक है। जैसे कि अगर ये है आपका क्या चीज, ये क्या चीज है आपका एमबी प्लाउ, तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका सेयर, है ना। तो ये क्या चीज है आपका सेयर, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है आपका सेयर, और ये वाला, या फिर यहां पर इसमें आप यहां पर देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका, इससे कि मेंशन भी है ये क्या है, मोल्ड बोल्ड। अगर इसको यहां पर देखना चाहो तो यहां पर दिखेगा, यहां पर, है ना। देन नेक्स्ट क्या है आपका लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, शेयर के जस्ट पीछे, और ये मोल्ड बोल्ड के जो नीचे ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये अपना क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। और जो फ्रॉग होता है यहाँ यहाँ पर ये वाला पोर्शन एम, ये क्या है आपका फ्रॉग है। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक और डायग्राम इसमें मेंशन है, ये फ्रॉग हो गया, और लास्ट में आपका क्या आता है, टेल पीस, ठीक है। जो टेल पीस होता है वो मोल्ड बोल्ड के एक साइड पे माउंट रहता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट जो ये हो गया आपके कंपोनेंट्स, अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके थोड़ा वर्किंग या फिर इसका फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो शेयर होता है वो कट करने का काम करता है, यहाँ से कटिंग करता है किसको, आपके सॉइल को, या फिर फरो स्लाइस बोलते हैं आफ्टर कटिंग, ठीक है ना। और जो मोल्ड बोल्ड होता है वो सॉइल को जो कटिंग या फिर जो फरो स्लाइस को क्या करेगा, ऐसे देना कट, शेयर तो कट किया, देन उसको ऐसे लिफ्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मोल्ड बोल्ड, देन मोल्ड बोल्ड इसको टर्न करेगा, देन वो क्या हो जाता है, पल्वराइज हो जाता है। जो मोल्ड बोल्ड का मेन काम क्या होता है, जो फरो स्लाइस कट हो रहा है उसको लिफ्ट करना, टर्न करना, देन पल्वराइज करना। और जो यहाँ मोल्ड बोल्ड पे जो ऐसे टेल पीस प्रोवाइड किया जाता है, तो टेल पीस का फंक्शन ये होता है कि उसको प्रॉपर टर्न करने के लिए या फिर प्रॉपर पल्वराइज करने के लिए वो हेल्प करता है, क्या चीज़ आपका टेल पीस। और जो लैंड साइड होता है, तो जैसे जब अपन टिलेज इम्प्लीमेंट को फील्ड में ऑपरेट करते हैं, तो जो ये जब फील्ड में ऑपरेट करते हैं तो साइड से एक लोड लगता है किस पे, मोल्ड बोल्ड पे, ठीक है ना। मतलब प्लाउ पे जो एक फोर्स लगता है जिसको साइड थ्रस्ट कहते हैं, तो उसको वो सस्टेन करने का काम करता है, ठीक। जो लैंड साइड क्या होता है, जो साइड थ्रस्ट आ रहा है उसको सस्टेन करता है। देन आपका क्या लास्ट है आपका फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या होता है, एक
होल्ड करके रखता है सारे चीज को, मोल्ड बोल्ड को, सेयर को, लैंड साइड को, सारे चीज को क्या करता है वो, होल्ड करके रखता है। क्या चीज आपका? फ्रॉग। मतलब ये सारा चीज है जो सेयर हो गया, मोल्ड बोल्ड हो गया, लैंड साइड हो गया, ये सारे के सारे किस में माउंट होते हैं आपके? फ्रॉग में माउंट होते हैं। जो यहाँ पर ये जो डायग्राम में जो आपको एम्बी प्लाव दिख रहा है, ये क्या है? टू बॉटम एम्बी प्लाव। ठीक है, जो एम्बी प्लाव होता है वो सिंगल बॉटम होता है, टू बॉटम होता है, थ्री बॉटम होता है। तो जो ये दिख रहा है इसको आप क्या बोलते हैं? बॉटम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वन एंड टू। तो ये क्या हुआ आपका? टू बॉटम एम्बी प्लाव। और इसको ट्रैक्टर से हीच करते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे में थ्री पॉइंट लिंकेज होता है। तो ये दो लोअर लिंक होते हैं और एक अपर लिंक होता है। तो ये जो एम बी प्लाव है किससे कनेक्टेड होता है? थ्री पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट होता है, और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक्स इसको अप एंड डाउन करते हैं। और जब इसको फील्ड में अपन जब फील्ड में चलाते हैं या टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम जो इसका डेप्थ वगैरह है सारा चीज़ क्या होता है? मेंटेन होता है। आज यू नो जो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट होता है उसका जो वर्किंग डेप्थ होता है मोर देन 15 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स जो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है उनकी जो वर्किंग डेप्थ होती है वो मोर देन 15 सेंटीमीटर। तो आपका जनरली जो मोल्ड बोर्ड प्लाव होता है इसका जो वर्किंग डेप्थ होता है 20 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ पे ये वर्क करता है। अब हम एमबी ब्लॉक की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं कि सेयर कितने टाइप्स का सेयर होता है, मोल्ड बोल्ड, अलग अलग जो मोल्ड बोल्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड बोल्ड यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सेयर के बारे में। इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड मेक अ हॉरिजॉन्टल कट बिलो द सॉइल सरफेस। जैसे कि आपको पता है जो शेयर होता है, पहले ही मैं डिस्कस किया कि शेयर क्या होता है, एक कटिंग यूनिट होता है। ठीक है ना, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सॉइल को कट करना। इट इज अ शार्प वेल पॉलिश्ड एंड पॉइंटेड कंपोनेंट। डिफरेंट पोर्शन ऑफ द शेयर आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम सच एज शेयर पॉइंट, कटिंग एज, विंग ऑफ शेयर, गनल। तो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है आपका? शेयर है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फरो स्लाइस को कट करना। मेन फंक्शन क्या है इसका? फरो स्लाइस को कट करना। अब जो शेयर होता है वो जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होता है शेयर का, उसको अपन डिफरेंट डिफरेंट उसका उसका नाम होता है। जैसे कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? गनल। जैसे कि इसमें लिखा हुआ ये हो गया गनल, ये हो गया पॉइंट जो लिखा है, ये क्या है आपका? शेयर पॉइंट। जो मेन होता है अगर शेयर में भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो तो मेन क्या होता है? शेयर पॉइंट। क्योंकि जो शेयर पॉइंट होता है वही पेनिट्रेशन का काम करता है। स्टार्टिंग यहीं से होता है किसका? कट जो फरो स्लाइस का कटिंग का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है? शेयर पॉइंट से होता है ना। और ये शेयर क्या करता है? ये फिर उसको हेल्प करता है पूरे ऐसे पर्टिकुलर विड्थ में कट करने के लिए। ये हो गया आपका कटिंग एज, जो यहाँ पर ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये क्या हो गया आपका? कटिंग एज हो गया। इसको बोलते हैं विंग ऑफ शेयर। ठीक है, ये गनल हो गया, ये शेयर पॉइंट हो गया, कटिंग एज हो गया, विंग हो गया। तो ये क्या होता है आपका? शेयर। तो शेयर का मेन फंक्शन क्या हुआ? कट करता है किसको? फरो स्लाइस का। अगर शेयर के बारे में ऐसा कुछ आता है एग्जाम में कि व्हाट इज शेयर, तो आप सिंपल से डेफिनेशन लिख देना। इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड मेक अ हॉरिजॉन्टल कट बिलो द सॉइल सरफेस। इट इज अ शार्प वेल पॉलिश्ड एंड पॉइंटेड कंपोनेंट। देन डिफरेंट पोर्शन ऑफ द शेयर आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम सच एज। आप ये डायग्राम वहां पर शो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डेफिनेशन बस लिख दो, उतना इनफ है। और अगर आपके 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है तो आप इसे शेयर कंपोनेंट के नाम लिख के यहाँ पर इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अगर शो करोगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जो भी आपका ऑब्जर्वर जो एग्जाम एग्जामिनर रहेगा उस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेयर भी होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली 4 टाइप का शेयर होता है, एक स्लिप, स्लिप नोज, सीन और बार टाइप। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि मेन डिफरेंस क्या होता है, जो फंक्शन सबका सेम होता है, चाहे वो स्लिप टाइप शेयर हो, स्लिप नोज हो, सीन हो, बार टाइप हो, सबका काम क्या होता है? कट करने का। बट जो स्लिप टाइप के शेयर होता है उसमें शेयर में क्या है? कंप्लीट एक यूनिट होता है। इट इज वन पीस शेयर विथ कर्व कटिंग एज हैविंग नो एडिशनल पार्ट। इसमें कोई जैसे कि ये इमेज में भी स्लिप जो स्लिप टाइप का शेयर है वहां पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक यूनिट है, ये कंप्लीट एक यूनिट है, इसमें कोई डिटेचेबल पार्ट वगैरह नहीं है। अगर आपका स्लिप टाइप का शेयर अगर डैमेज होता है तो आपको होल पूरा पूरा शेयर को ही क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड क्या है आपका? स्लिप नोज। तो स्लिप नोज दिखने में तो एज इट इज किसके जैसा होता है? स्लिप शेयर टाइप से ही होता है, बट इसके शेयर पॉइंट पे एक डिटेचेबल पार्ट होता है। इट इज अ शेयर इन विच द पॉइंट ऑफ शेयर इज प्रोवाइडेड बाई ए स्मॉल डिटेचेबल पीस। एक छोटा सा डिटेचेबल पीस होता है। अगर इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे कि लॉन्ग टाइम अपन टिलेज इंप्लीमेंट परफॉर्म कर रहे थे, सबसे ज्यादा वियर एंड टीयर कहाँ पर होता है? शेयर पे होता है। ठीक है ना, क्योंकि मेन कटिंग का काम वही करता है, तो सबसे ज्यादा वियर एंड टीयर कहाँ पर होगा? आपके शेयर पे, शेयर पॉइंट पे।
तो अगर आपका स्लिप नोट टाइप का अगर शेयर है, तो इसके जो शेयर पॉइंट होता है वहां पर क्या होता है, एक डिटेचेबल पार्ट होता है। अगर ये डैमेज हो रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो सामने में ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, सिर्फ आपको इसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ना कि पूरे शेयर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये इसका एडवांटेज है कि जो अगर आपका स्लिप टाइप का शेयर है, तो उसको कंप्लीट पूरे शेयर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। बट अगर आप स्लिप नोट टाइप का यूज कर रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम अगर आप वर्क कर रहे हो फील्ड में, तो जो शेयर पॉइंट है, जब उसमें वियर एंड टियर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है, तो आप सिर्फ किसको डिटेच कर सकते हो, जो डिटेचेबल पीस है उसको आपको वहां से रिमूव करो, उसके जगह नया पीस लगाओ। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उसका एक प्रकार से जो मनी सेविंग होता है इससे, है ना, क्योंकि अगर होल शेयर को अगर आप चेंज करने जाओगे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, बट एक पर्टिकुलर एक पीस, छोटा सा पीस अगर आप उसमें चेंज करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो फार्मर्स की जो मनी है वो क्या होगा, सेविंग होगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ शेयर क्या है आपका, सीन टाइप, इट इज अ शेयर हैविंग सीन एज एन एडिशनल पार्ट, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सीन। ये स्लिप और स्लिप नोट टाइप से ही होता है, बट ये जो एक एडिशनल पार्ट होता है, क्या चीज, सीन, ये क्या है, एक एडिशनल पार्ट होता है सीन टाइप ऑफ शेयर में। नेक्स्ट है आपका बार टाइप ऑफ शेयर, तो इट इज अ शेयर इन विच द पॉइंट ऑफ शेयर इज प्रोवाइड बाई एडजस्टेबल एंड रिप्लेसेबल बार। यहां पर जो पॉइंट ऑफ शेयर के लिए या फिर जो कटिंग यूनिट के लिए क्या होती है, एक बार होता है, ये एक एडजस्टेबल बार होता है। तो अकॉर्डिंग टू आपका डेप्थ रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग इसको अपन क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर इसी शेयर पॉइंट में, जो जहां पर जो कटिंग एज है उस शेयर पॉइंट में, अगर आपका वियर एंड टियर होता है, तो जो ये बार है ये क्या है, एडजस्टेबल है, तो इसको अपन ग्रेजुअली ऐसा डाउनवर्ड करते जाते हैं। तो जैसे ग्रेजुअली इसको डाउनवर्ड करते जाते हैं, तो जैसे जैसे वियर एंड टियर होता है, इसको अपन ग्रेजुअली डाउनवर्ड करते जाते हैं, तो इसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जो मतलब जो शेयर पॉइंट है, एक प्रकार से जो बार है वो शेयर पॉइंट का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।